हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जूतिया का व्रत है जो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए रखते हैं। मैंने, मम्मी ने रख रखा है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे का वीडियो दिखाते रहेंगे। अभी मैं आधा तैयार हो रही हूँ, अभी पूरा तैयार हो तो फिर मैं है गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप लोग देखिए, मेरी हेयर स्टाइल नहीं बन रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊं, फिर मुझे यही सही लगा तो मैंने यही रहने दिया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने साड़ी पहन रखी है और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा। और सब लोग तैयार हो गया है, अभी देखते हैं कब जाना है मंदिर। गोट बनती है। मैंने ये चूड़ी पहनी है, एक्चुअली इस कलर की चूड़ी नहीं थी मेरे पास, मैंने यही चूड़ी पहनी है और ये मैंने पैर कलर किया है। एक्चुअली ये देखिए, और एक्चुअली जब हम लोग छोटे थे, मम्मी लड़कों का क्यों व्रत होता है, लड़कियों का क्यों नहीं होता है। अब करवा चौथ भी लड़कों का होता है, जूतिया भी लड़कों का होता है, तीज भी लड़कों का होता है, अक्सर करके जितना व्रत होता है सब लड़कों का होता है। हम लोग कहते हैं लड़की का कोई व्रत ही नहीं है और लड़कियां ना रहे तो काम ही ना हो कोई। चलिए कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने बनाया सब कुछ बहुत अच्छा ही बनाया है। हेलो फ्रेंड, मैं पूजा करके घर पे आ गई हूँ। बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, मुंह एकदम सूख रहा, बस ये मन कर रहा है कि पानी मिल जाए मैं पी लूँ, लेकिन नहीं पी सकते। और शिवा माँ करें कि सबकी कोख भरी रहे और जिसके पास है पुत्र उनकी लंबी आयु बनी रहे। शिवा माँ सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सबके घर में बढ़ोतरी करें। और ये व्रत बच्चे के लिए रखा जाता है
और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। हाँ फिर ओके, निकलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। ओके बाय।